रंग पर से जिनके जुड़ने वाले रंग पर से गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग उठ गए हैं, मतलब हमने चाय नाश्ता भी कर लिया है और हमने चाय बनाई थी और ब्रेड सेक लिए थे। एंड मेहुल जस्ट अभी उठ गया है, फ्रेश होने गया है। मैंने उसके लिए बनाना शेक बना के तैयार कर दिया, मेरा गला एकदम। एंड मैं जल्दी से क्विकली मेरा लंच तैयार कर रही हूँ। लंच में बन रहे राजमा चावल, तो ये देखो, मतलब ये राजमा मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, घी डाल दिया, तेज पत्ता, जीरा और यहाँ पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की प्योरी बन गई है। यहाँ राजमा उबल गए हैं, तो मैं बड़ा क्विकली बनाना राजमा चावल तैयार करने वाली हूँ। उसके बाद नीचे का आपको एक बार प्रोग्राम दिखा देती हूँ कि नीचे एकदम जोरों शोरों से ऊधमबाजी चल रही है। तो जल्दी से राजमा चावल तैयार व्यार करके हम लोग फिर नीचे निकल जाएंगे, दिखाती हूँ। ये देखो, वहाँ पे ज़्यादा लोग एकदम, क्योंकि वहाँ धूप भी है ना, और ये वहाँ मस्जिद बाजी हो रही है। दो तीन जगह डीजे लगा हुआ है, तो अलग अलग जगह है काफ़ी लोग। तभी उठ गया है रियांश बेबी, पुतू, हैप्पी होली, हैप्पी होली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, आई लव यू। रियांश, होली खेलोगे यहाँ पाँच? कल रात में से इतनी गर्मी लगी, इसने अपनी टी शर्ट उतरवा दी, इतना रो रहा था ये गर्मी की वजह से। रियांश, गुड मॉर्निंग मेरी बिल्ली, ये गोपी 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 गोपी, ये गोपी 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 गोपी। रियांश, होली खेलने चलोगे कलर से या नहीं? होली खेलने चलोगे कलर से कल की तरह? चलोगे? आपका हैंड फंस गया, निकाल लो हैंड, हैंड निकाल लो, चलो। तो होली की स्टार्टिंग तो हो चुकी है, एंड सामने जो माधव रहता है, मैंने एक दो बार वीडियो में भी जैसे लिया है, उसने ये आके हैप्पी होली ब्रो, मतलब मुझे हे ब्रो कहता है, हे ब्रो। वरुण भैया आए थे अभी बाहर ही हैं। तो होली की स्टार्टिंग को जिस तरीके से हुई है, एंड हम निकालते हैं अभी अपने कलर्स। पता है कल क्या हुआ? हम लोग होली मिलन के लिए गए और हम इतने डम्बो तीनों, हम लिटरली अच्छे खासे कलर्स लेकर आए, मतलब अभी हम लेकर आए थे गुलाल ये भी और ये भी, और हम कुछ भी नहीं लेके गए। वहां जाके कहना, अरे यार सब तो कलर लाया, हम तो कलर नहीं लाया। तो हम अपने कलर्स वलर्स निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारियां होली की। हैप्पी होली इसकी वजह से फोटो निकली। तो हम लोग लेकर आए हैं, हम लोग ये 5 का सेट लाया स्मोक बॉम्ब का, जिससे अच्छे से फोटो शूट कराने वाली हूँ मैं, है ना। और वरुण लेके आए थे 3 गुलाल, ये पिंक, येलो और ब्लू, और एक हमें बैलून का सेट लेके आया तड़ 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 करने के लिए। इसमें ना ऊपर ऐसे लगाए कि आप एक ही बार में फिल कर लोगे ना पानी से, ये वाले बैलून का सेट है। एंड उसके बाद एक दिन मैं भी गई थी, तो व्हाट आई बॉट इज, मैं के छोटे वाले स्मोक बॉम्ब भी लाई हूँ, छोटू छोटू से है। एंड मैं 2 कलर और लेके आई थी, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये रखे हैं, ठीक है। सो या अभी इन्हें निकाल निकाल लेते हैं, इनका वक्त आ गया है बाबा, और होली की तैयारियां करते हैं शुरू। मैं जल्दी से राजमा बना दूँ, क्योंकि फिर आके जब गंदे होंगे ना तो कुछ बनाने का मन नहीं करेगा। राजमा तो बड़ा बॉयल हो गया, बस मसाला पक जाए एंड राजमा डालो एंड चावल डालो एंड लेट्स गो देन फॉर होली। राजमा कुक हो रहे हैं, चावल ऑलमोस्ट बन गया, मतलब बस 2 बेसे लानी है एंड देन डन। और जब तक राजमा ना अच्छे से पक रहा है, उसी के साथ हमारा रियांश बेबी तो तैयार भी हो गया। अरे भैया ए ए दिखाओ 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 दिखाओ, वाओ माय फर्स्ट होली। इसका भी फोटो शूट कर लेंगे हम पहले रियांश कहीं पे। ये देखो भैया, हाँ ये स्मार्ट सा सुंदर सा बेबी कौन है, इतना हैंडसम, वाह रियांश वाह, तैयार हो तुम? तो रियांश तो तैयार हो गया, मेहुल ना यहीं से मजे ले रहा है, तब तक पानी फेंक फेंक के ही देखो किस पे फेंक रहा है, ये देखो, ये लड़कियों को छेड़ रहा है, ये लड़कियों को छेड़ रहा है, ऊपर से बच्चे देख रहे हैं कौन फेंक रहा है। जो सूखा सूखा है ना उस पर फेंको, इस व्हाइट वाले पे फेंकने, बड़ा स्मार्ट बन के घूम रहा है सूखा सूखा, इसे फेंक दो, ये आंटी पे फेंको, बिल्कुल गलत निशाना मेहुल, बिल्कुल रद्दर निशाना। अब वहाँ पे देखो क्या भीड़ चल रही है भाई, मस्त होली चल रही है, ये देखो कितनी भीड़ लग रही है, अच्छी खासी भीड़ है। तो ये जो सूखे सूखे लोग घर में है ना, इनको फेंको,
मेहुल एक दिन अरे भाई मैं बोला तो यहीं से होली खेलना शुरू भी कर दिया है और उसकी होली के कलर्स स्टार्ट हो गए फट 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 पार्टी फेंकना शुरू कर दिया है। यो कलर्स में आ जाओ जी। तो आगे का शूट ना वरुण के ब्लॉग से करने वाली हूँ मैं एंड वरुण के फोन से। और मैंने ना ये देखो कवर में जो मेरा कवर था ना इसमें मैं अपना फोन लगा लिया है एंड वी आर ऑल सेट टू 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 गो। और मेरे बाल एंड रियांश भी तैयार हो गया चश्मा वश्मा लगा के भाई चलो बेटे चलो मेहुल लेट्स गो। ये मैं तैयार हो गई ये वरुण एंड मेहुल आ जा बालकनी से अब मत खेल और मेहुल चश्मा लगाओ वी आर ऑल सेट चलो ऑल सेट टू गो गाइस ऑल सेट टू गो ये देखो। और हाँ हमने रियांश को यहाँ पे ऐसे मामू के पास चिपका दिया है तो अभी ये वो बन गया है कौन सा होता है एनिमल चलो कौन सा एनिमल होता है यार बता दो ना बताओ यार कौन सा एनिमल होता है कंगारू कंगारू का बेबी देखो देखो रियांश बेबी तुम मामू से चिपक गए हो और इसे देखो पकड़ रखा है रियांश ने अरे भैया
लगा मेरा होली का व्लॉग? मैं तो पता है बहुत देर पहले आ गई थी, मतलब मैं पौन घंटे बाद आ गई थी रियांश को लेके, तो मैं नहा धो ली हूँ, हैंड और हेयर वॉश कर लिया है, और ये देखो मेरा शोना बेटा भी नहा लिया है, नए नए कपड़े पहने हैं बेटू ने मेरे ने होली पे, ये देखो आहा रियांश बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। हाँ सच्ची बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो रियांश भी नहा धो के तैयार है और मम्मा भी नहा धो के तैयार है और डैडा और मामू अभी आ रहे हैं, उनको मैं बोल के आई थी कि तुम लोग थोड़ा सा लेट आना, मैं कॉल कर दूंगी, क्योंकि मैं आराम से आई और पहले मैंने रियांश को नहलाया, फिर मैं नहाई, मैं पता ही बिल्कुल रोया भी नहीं नहाने में, और इवन इसके फेस ना हल्का सा कलर ऐसे उड़ के आ गया था कहीं से, तो ये दोनों भी आ गए, तो ना ये ऐसे मिरर में देख के ना खुश हो रहा था उस कलर को, और मैं आपको ना इन दोनों का दिखाती हूँ। यार दिखा दो, हम तो तैयार है मामू डैडा, ये देखिए हो रहे आ रहे आए हमारे घर में कुछ बड़ी, आप साफ लग रही हो रियांश, कहाँ ढूंढो रियांश, रोगे तो नहीं देख के हम, पता ही डेढ़ बज गया है और हमारी लंच की तैयारी तो सारी थी ऑलरेडी जैसे कि आपको पता ही है, एंड यहाँ पे मैंने ना कुछ और तैयारियां कर ली हैं, मेरा शायद कैमरा जूम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या तैयारी कर ली है। ये तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया है गोलगप्पे के लिए, हाँ जूम था, यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है चिप्स पापड़ के लिए, बाउल्स निकाल लिए हैं, राइस मैंने इसमें बना के रख दिए हैं, और यहाँ पे फ्रूट क्रीम की तैयारी चल रही है, राजमा बने रखे हैं, एंड फ्रूट क्रीम के जो फ्रूट्स हैं वो मेहुल ने यहाँ पे कट कर दिए हैं, और ये रहे ग्रेप्स जो कट होने हैं। रियांश बिजी है जिम में अंदर, एंड वरुण गए हुए हैं नहाने के लिए, बोला रियांश, उसको ना मैंने जिम करने के लिए बोल दिया, और मैं करने जा रही हूँ थोड़े से बर्तन फटाफट से, क्योंकि आज मेट तो आई नहीं है, एंड ज़्यादा हम लोगों ने बर्तन गंदे किए ही नहीं है, कल भी मैंने एक दो बार जल्दी जल्दी कर दिए थे, अभी ऑयल ना बस मैंने गर्म करके रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा पहली बार गर्म हो जाए ना फिर चिड़मिड़ टाइप नहीं होती ऑयल में, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, तो मैं जल्दी से क्विकली वाला बर्तन क्लीन कर देती हूँ, और फिर हम लोग ना फ्री हो जाएंगे हर चीज़ से, लाइक कोई आ भी रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। और इसमें मैंने गुजिया फिल करके रख दिया, और ट्रे में नाश्ता लगा दिया है, गुजिया है, फ्रूट क्रीम बन रही है, एंड चिप्स पापड़ रेडी हो जाएंगे। तो फाइनली सारी चीज़ें हो गई हैं, और किचन मैंने बिल्कुल साफ़ रखा है, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम से ना पूरा किचन दिखता है, तो बिल्कुल साफ़ किचन है, दो चार बर्तन हैं जो ज़रूरत नहीं है मैंने वॉश नहीं किए, ड्राइंग रूम पूरा हमने साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, एंड बहुत थकान हो रही है, अभी शाम का हम कुछ प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं वो तो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में पता चलेगा, और इस वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और ये देखो हमारे सारे गंदे कपड़े, देखती हूँ अगर शाम को मन किया मशीन लगाने का तो लगाऊंगी, बट अगर अलाउ नहीं किया ना बॉडी ने फोकस तो नहीं लगाऊंगी, और अभी तक तो काफ़ी डीजे की आवाज़ें आ रही थी, बट अभी धीरे धीरे बंद हो रही हैं, होली का शौक उतर रहा है और टायर्ड होने जा रहे हैं लोग, नाश्ता भी रख लिया, रियांश को सुलाना है, अब उसे नींद आना स्टार्ट हो गई है, आलू मैंने बॉईल कर लिए गोल गप्पे के लिए, राजमा को मैं एक बार और गर्म कर रही हूँ, ठंडे हो गए थे, एंड यार बहुत इंजॉय किया, पता कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आपकी बेबी हो गया है तो आपकी अपनी लाइफ, इवन मुझे पता है कल कुछ लोग मिले थे, तो हम लोग रियांश को जब कल लेके गए थे ना तो बोल रहे हैं कि ओ शिट, हाँ तो बोल रहे हैं कि अरे अभी तो आपका ठीक है, अभी तो परेशान हो गई होगी, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं है यार, आई डोंट नो, अभी तक तो मैं अभी तक का 5 महीने का जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ वो यही है, हम लोग रियांश के साथ परेशान होते हैं, बट जब वो परेशान नहीं होता है, लाइक उसकी हेल्थ आपको पता है इस वजह से, वरना लिटरली जब आई वॉज प्रेगनेंट तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसी कोई चीज़ कोई मज़े नहीं होंगे जो रियांश को नहीं करवाऊंगी, एंड ये नहीं है कि उसके आने से मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मैं डबल इन्जॉय करूँगी क्योंकि वो इन्जॉय करेगा। तो होली पे अभी हम लोग गए थे तो मैंने प्रॉपर इन्जॉय किया, डांस किया, मैं अलर्ट भी थी अगर मैं इन्जॉय कर रही थी तो, उस पर कलर नहीं आया, उस पर पानी नहीं आया, तो सब लोग बहुत लोग नहीं हर कोई देख रहा था कि अरे वही इतना छोटा बच्चा लेके मैं इतना इन्जॉय कर रही हूँ, कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया, मज़ा आया ना,
बट अभी पैर दर्द कर रहे हैं मेरे तो, टायर्ड भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप एंजॉय नहीं कर सकते छोटे बच्चे के साथ, इट्स ऑल अप टू यू एंड योर थिंकिंग कि हाँ कि बेबी होने के बाद हमारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डबल एंजॉय करते हो हर चीज़ को, क्योंकि आप खुद एंजॉय करते हो एंड बेबी एंजॉय करता है, तो वो जो एंजॉयमेंट होता है ना वो एकदम डबल हो जाता है। अभी यश धीरे धीरे बड़ा होगा ना, हम हर साल इसके लिए बड़ी से बड़ी पिचकारी लाया करेंगे। और लिटरली मैं ऐसे कभी ऐसा नहीं होगा कि होली खेलने से रुकूँ या मिट्टी में जाने से रुकूँ, नेवर एवर, क्योंकि ये छोटी सी एज होती है, फिर जब बड़े हो जाते तो हम क्या ही कर पा रहे हैं ये चीज़ें ना। दबा के होली खेल ले दूंगी, भागवाऊंगी, सब करवाना है। और अभी फिलहाल ब्लॉग खत्म करती हूँ, हाँ इसे सुलाती हूँ, ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।